तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है मेरा मायके का घर और प्यारा सा। तो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये यहाँ से इसकी एंट्री है, और ये यहाँ बाथरूम है, और ये रूम है बाहर वाला, और ये यहाँ पर रखे हुए हैं गमले वगैरह। तो यहाँ देखिए, ये रक्षाबंधन वाले दिन का ही वीडियो है, और यहाँ ही सब लोग खाना खा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे जाना था शाम को, तो मैंने कहा चलो, आप सबके इतने कमेंट आ रहे थे कि दी अपने घर का दिखाइए, अपना घर दिखाइए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आज ही बना देती हूँ, और घर थोड़ा फैला हुआ पड़ा है तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए। ये है किचन, और किचन के बगल में ही ये बाथरूम है, और एक ये वाला रूम है सामने ये वाला। और भतीजी तैयार हो रही है क्योंकि इसे भी जाना है। तो ये यहाँ पर एलईडी लगी हुई है बेड के सामने ही। तो ये वाला रूम है जो कि भाभी ने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सजाया हुआ है घर को। और फिर इसी के बगल में एक ये वाला रूम है साइड में ही। तो अभी इसकी लाइट चलाती हूँ। इसमें भी बेड पड़ा हुआ है, और यहाँ विशाल अपना पबजी पता नहीं क्या खेल रहा है, ये फ्री फायर। तो ये देखिए, भाभी ने इस तरीके से इसे सजाया है। तो ये देखिए, और मैं बिल्कुल तैयार थी निकलने के लिए घर के, तो मैंने कहा चलो पहले मैं बना लेती हूँ ब्लॉग, अपना घर का होम टूर कराती हूँ आप सबके साथ। तो ये छोटा सा आंगन है हमारा, तो ये आंगन में ही ये मंदिर रखा हुआ है, और ये मूर्ति वगैरह है कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण की, और ये भाभी का मंदिर। और ये देखिए, कान्हा जी बैठे हुए हैं, माता रानी, और ये यहाँ इस तरीके से तस्वीर लगाई हुई है, और ये राधा रानी और कृष्ण भगवान की। और ये यहाँ रखा है कोने में फ्रिज, और ये इसी के ही आंगन के सामने ये वाला रूम है बाहर का, ये मम्मी और पापा जी का रूम है ये वाला। तो ये इस तरीके से इन्होंने सजाया है, भाभी जी ने, हमारी ने, छोटी वाली भाभी जी ने, बड़ी वाली भाभी ऊपर रहती हैं। तो अभी मैं ऊपर भी आपको सबको लेके चलती हूँ। तो अभी यहाँ, तो ये साइड से यहाँ जीना जा रहा है, तो ये जीना ऊपर के लिए जा रहा है। तो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, ये फिल्टर की बोतल वगैरह रखी हुई है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए यहाँ फिल्टर का ही पानी आता है पीने के लिए। तो ये है बड़ी वाली भाभी का, और ये बड़े वाले भैया घूम रहे हैं, अभी नहाए नहीं है ये तो नहाने के लिए। और बड़ी भाभी ने भी बहुत प्यार से, बहुत सुंदर सा घर अपना सजाया हुआ है। ये माता रानी, ये मंदिर है। तो ये देखिए, बिल्कुल सेम नीचे है ना, ऐसे ही ऊपर है, बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है ऊपर भी। तो ये भाभी की किचन, तो ये देखिए, ये है भाभी की किचन। थोड़ा ऐसे गंदा थोड़ा पड़ा हुआ है, ये बाथरूम है, और थोड़ा सा ना गंदा इसलिए कि रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर त्योहार का टाइम है, तो इसलिए। तो मैंने कहा सुबह सुबह पहले मैं इसे बना लेती हूँ ब्लॉग को। और भाभी ने इस तरीके से ये सजाया है, यहाँ भी बेड रखा हुआ है, और एक ये वाला रूम है, और माँ ही चला रही है फ़ोन। और इस तरीके से यहाँ भाभी का बेड पड़ा हुआ है, ये ड्रेसिंग टेबल है, और इधर ये भाभी ने पेंटिंग वगैरह अपनी टांग रखी है इधर। और सीलन आ रही है घर में, पता नहीं क्यों बारिश वगैरह हो रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है। तो ये देखिए, ये भाभी जी का बेड, और ये ड्रेसिंग टेबल, और इधर की साइड कोने में लगा हुआ है इनका टीवी, एलईडी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये देखिए, ये भाभी का एसी, और ये इस वाले रूम से ना आंगन कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो ये देखिए, इस तरीके से दिखता है भाभी का ये आंगन है जो, तो बहुत सुंदर है घर।
और भाभी ने बड़े प्यार से ये सजाया है। तो इसी के बगल में ना एक ये वाला रूम है, यहाँ नेहा तैयार हो रही थी क्योंकि इसको भी निकलना था घर के लिए, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा नेहा थोड़ा साइड से हो जाओ, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये भाभी की जो बहू है, मतलब मेरी भतीजी, बहू बोल लो, भतीजे की भतीजे का कमरा है ये, तो ये उसी का सामान वगैरह है, यहीं इसका बेड वगैरह सारा कुछ है। तो ये भाभी का मंदिर और ये वाला इस तरीके से है, और ये छत के लिए टीना जा रहा है, इस पर भी अभी टाइल वगैरह नहीं लगाए हैं, अभी बनवाएंगे ऊपर, तो जब लगेगा। और ये सामान वगैरह ले जाना है, भतीजा जा रहा है अपनी ससुराल, तो वहीं के लिए ये सामान रखा हुआ था। और ये देखिए इस तरीके से ये भाभी ने ये बाहर वाला रूम भी ऐसे सजाया हुआ है, ये देखिए। और बच्चे हैं तो बच्चा फिर गंदा बहुत जल्दी कर देते हैं, तो भाभी को भी बहुत पूरा दिन ऐसे लग जाता है काम में, साफ सफाई में ही। और अभी तो बच्चे हैं इस वजह से, वरना सब चले जाएंगे तो फिर कोई ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं करेगा, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो हो ही जाता है। तो ये है बाहर का, थोड़ा दिखाती हूँ, ये है भाभी का ये बाथरूम, और ये इधर, और इधर देखिए ये यहाँ खेत हरियाली। और अभी मकान ना बन रहे हैं क्योंकि ये न्यू कॉलोनी है, तो इसलिए, और यहाँ भैंस बंधी हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से ये है ये वाला रूम बाहर वाला, और ये चौक, और सामने दो कमरे। तो इधर का मैंने भी दिखा दिया, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, जैसे नीचे है ना वैसे ही ऊपर है। और ये अभी मैं लेके चलती हूँ आपको छत पर, तो ये छत के लिए जीना जा रहा है। तो ये यहाँ फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई थी, इन्वर्टर वगैरह, ये शादी में मिले थे तो अभी नहीं खोले हैं क्योंकि घर में पहले ही थे, तो इसलिए अभी फ्रिज और वॉशिंग मशीन नहीं खोला है। तो अभी हम आ गए छत पर, और छत पर ना मैं यहीं से दिखा दूँगी क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं छत पर नहीं गई, मैंने यहीं से क्लिप ले ली। तो ये है छत, ये देखिए ये हो रही है, छत भी ख़राब हो रही है, सारी सही करवाएंगे, बनवाएंगे यहाँ पे भी, तो इसलिए। तो अभी हम चलते हैं नीचे, और घर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, अगर फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो अच्छे से दिखाऊँगी पूरा घर, अभी थोड़ा जल्दबाजी में थी तो इसलिए थोड़ा ऐसे ही दिखा पाई हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं अभी दिखा देती हूँ ऐसे ही, और लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो अच्छे से दिखाऊँगी घर को पूरा। तो ये यहीं से ये जीना घूम जाता है नीचे के लिए, तो यहीं से हम नीचे, अब मैं जा रही हूँ, उतर रही हूँ नीचे के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से है। तो घर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।